हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूं आप लोगों के प्यार दुलार की वजह से। और देखिए, आज सुबह सुबह का टाइम है, सुबह से ही मैंने थोड़ी सी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। और एक तरफ बन रहा है ब्लैक टी, यानी कि काली वाली चाय, शुद्ध इसकी जो भाषा है वो यही है, गाँव की काली वाली चाय बन रही है। और एक तरफ हमने रखा है पास्ता बनाने के लिए पानी, तो पानी को पहले बॉईल करेंगे। थोड़ा सा उसमें हमने डाल दिया है राई का तेल। जो छोटा वाला गैस है ना, वो थोड़ा स्लो जलता है, और बड़ा वाले पे हमने चाय रख दिया था, तो हमने दोनों को अदली बदली कर दिया है, चेंज कर दिया है दोनों को, क्योंकि काफ़ी देर हो रहा है, आज देर हुई है। और कल ही हमने इस पास्ते को ख़रीदा था, दाल वाले जो भैया आते हैं जिनसे हम हमेशा दाल लेते हैं, उन्हीं से हमने पास्ता ले लिया, और साथ ही साथ उन्हीं से मसाले भी हमने ले लिए हैं। टोटल हमने 250 ग्राम पास्ते लिए थे, आधा हमने निकाल लिया है, आधा बनाएंगे बच्चों के लिए लंच स्कूल ले जाने के लिए, और आधे को हमने रख दिया है क्योंकि पास्ता हमारे यहाँ से बच्चे पसंद करते हैं, हम लोग ये सारी चीज़ें कभी खाते ही नहीं हैं। और बच्चों की वजह से हमने भी थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों, मैं सच बताऊँ आप लोगों को, चाउमीन और ये जो चाइनीज़ चीज़ें हैं ना, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, पर हाँ थोड़े बहुत बच्चों के साथ मिल के खा लेते हैं। और आज उन्हीं की जिद पर ये पास्ता बन रहा है। कल हमने लिया तो उन लोगों ने बोला मम्मी टिफिन के लिए यही बनाना, तो हमने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दे बच्चों की लंच बॉक्स में हमें क्या दे रहे हैं। और पानी में हमने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, ताकि क्योंकि ये आज जो कुछ ऐसे चाउमीन वगैरह बनते हैं ना, तो इनमें हल्दी अच्छे से चढ़ती नहीं है, तो हल्दी हमने इसलिए पहले से डाल दी है, बॉईल करने के लिए रख दिया। वैसे तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, पर हमने कहा चलो बॉईल कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। एक तरफ दूसरी तैयारियाँ कर रहे थे और एक तरफ बॉयल करने के लिए रख दिया, तो फटाफट से हो गया। इनको एक साइड में निकाल लेंगे हमने प्लेट में। और चाय हमारी देखिए बन गई है, चाय को हमने ढक दिया है और सब नहा धो रही हैं, जल्दी जल्दी से तैयार हो रही है। आज बहुत देर भी हो गई थी, जैसे ही हमारे आँख खुली उठते ही हमने दौड़ दौड़ के सबको जगाना शुरू कर दिया, जल्दी उठो बेटा, और सबको टाइम बताने लगे। वैसे तो हमारी आदत है सुबह जब उठाते हैं ना, तो टाइम इनको पहले बताते हैं, इतने बज गए जल्दी उठो, इतने बज गए बेटा जल्दी उठो, ऐसे करके रोज़ होता है। पर आज तो कुछ अलग ही नज़ारा था, सो के उठने के बाद हमारा रिएक्शन जो बिल्कुल अलग था, एकदम से चौंका देने वाला। और इधर बच्चे खा रहे हैं पाव और चाय, अभी अपनी दीदियों के साथ जुटा हुआ है। और इधर हमने थोड़ी सी प्याज डाल दी है, वैसे प्याज डालने का मन नहीं था, पर लास्ट में हम एकदम इन टाइम में चलो आज बारीक करके प्याज ही डाल देते हैं। और एक चीज़ आप लोगों को बताऊं, आप लोग नोटिस करके बताइएगा कि इस पास्ते में हमने कमी क्या रखी है, क्या ऐसा है जो हमने नहीं डाला है जिसकी वजह से पास्ते का बिल्कुल टेस्ट ही मतलब मज़ा नहीं आ रहा है। थोड़ी सी तीखी वाली मिर्च डाल दी है, लाल वाली, चटपटी हो जाएगी तो अच्छा लगेगा। और आज हमने वीडियो की पहले से कोई वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया था, कोई भी वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया था, बस डायरेक्ट हमने इसी वीडियो को रिकॉर्ड करना शुरू किया। और ये देखिए बन के रेडी हो गया है, बच्चों को हम जो है दे दिए नाश्ता करने के लिए, और ये टिफ़िन भी जल्दी से फटाफट से पैक करेंगे, क्योंकि इनका जो गाड़ी है स्कूल की, वो भी आने का टाइम हो गया है। और दोस्तों, कल वीडियो नहीं जा पाया था, ये देखिए इधर मानसी बॉटल में डाल रही है पानी ले जाने के लिए, कल रात को इन लोगों ने बॉटल भी नहीं रखा था फ्रिज में, तो बस वही कर रही हैं। और कल का जो वीडियो हमारा था दोस्तों, वो नहीं जा पाया है। अगर एक दिन भी आप लोगों के संपर्क में नहीं आते हैं ना, एक दिन भी बातें नहीं करते हैं, तो ऐसा लगता है कि सालों हो गए हैं बातें किए हुए, मतलब अच्छा ही नहीं लगता है कुछ। अब कल देखिए वीडियो नहीं गया और आज भी वीडियो लेट जा रहा है, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे कुछ खो सा गया है, कुछ ऐसा हाल होता है हम लोगों का जब वीडियो एक दिन नहीं जाता है तो। और इधर ये वाले रूम में हम नहा धोकर फुर्सत हो रहे हैं, करीब 10-10:15 बजे का टाइम हो रहा होगा। तकिए का जितना भी खोल है ना, इनको हम निकालेंगे, और यहाँ पे जितने कपड़े फैले इन सबको इकट्ठे करके रखेंगे और इसको धोएंगे हम। जो डेली वाले कपड़े होते हैं वो तो रहते ही हैं डेली डेली सबके घरों में, सबके पास यही काम होते हैं, पर थोड़े से हमने जो कपड़े बढ़ा लिए थे उनको भी धो लिए, इसलिए बड़े वाली बाल्टी से एक बाल्टी कपड़े हो गए थे। और ये ब्लैक वाली साड़ी भी हमने एक दिन पहनी थी, तो इसको भी बस ऐसे ही टांग दिया था उतार के, क्योंकि इससे ना बड़ी गर्मी लग रही थी हमें। तो देखिए दोस्तों, कपड़ों को हमने फैला दिया है सूखने के लिए, और धूप तो आज खिली नहीं है सुबह से ही, यानी कि मौसम ठंडा ठंडा सा और सुहाना मौसम है, अच्छा लग रहा है। और हमारी आइज़ देखिए अभी ठीक हो रही है, लेकिन आँखों में अभी दर्द बनी हुई है और सूजन भी बरकरार है। तो ये देखिए कपड़े सब सूखने के लिए टांग दिए गए हैं। बारिश थोड़ी देर पहले हुई थी, मतलब रुक रुक करके बारिश अभी हो ही रही, पर ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हो रही है, धीमी धीमी सी हो रही है।
पर हाँ मौसम ठंडा है, अच्छा लग रहा है और चारों तरफ ना शांत माहौल होता है। और ये है दोस्तों सोमवार के दिन सुबह का टाइम है ये। हम नहा धो के आ चुके हैं और इधर हमारी दादी भी आ गई हैं, यानी कि हमारी बुआ, जिनको आप पहले भी ब्लॉग में देख चुके हैं। तो ये कल ही आई हैं, नहीं परसों आई हैं। आज हम आप लोगों को ब्लॉग में थोड़ा सा दिखा रहे हैं और हम भी नहा धो चुके हैं। नहाने के बाद हमने ये वाली साड़ी आज डाल ली है क्योंकि आज हमारे घर में मेहमान है, तो बस मन हुआ कि चलो ये वाली साड़ी पहन लेते हैं। और कल हम लोग गए थे प्रयागराज नहाने के लिए, स्नान, मतलब बहुत सारे लोग गए थे, छोटा सा फंक्शन था तो सब लोग गए थे, पर हमने नहीं किया था कोई फंक्शन, तो इसलिए हमने वीडियो भी नहीं रिकॉर्ड की है। और अब नहा के हम चल रहे हैं पूजा करने के लिए। आ गए दोस्तों पूजा करने के लिए, जहाँ पे कलश रखा हुआ है। और ये कलश दशाश्वमेध घाट प्रयागराज से भर के आया हुआ है। कल हम लोग गए थे, बताया था ना आप सभी को, तो ये सब जल चढ़ाने के लिए जाएंगे। और बस वहीं पे हमने पूजा कर ली है और घर में भी पूजा कर लिया है, बाहर भोलेनाथ को जल भी डाल के आ गए हैं, वापस से फिर आ गए हैं। और इसके पापा यहाँ पे बैठे हैं और दीदी को हमने दे दिया है चाय पीने के लिए। और यहाँ पे अब तैयारी हो रही है खाना बनाने की। तो खाने में क्या बनेगा, बस यही हम देख रहे थे कि क्या कुछ है खाने में। देखा तो बस 2-3 बैंगन पड़े थे और आलू तो काफ़ी थे, और बैंगन ना थोड़े से ख़राब हो गए थे, मतलब कई दिनों के हो गए हैं। और सच बताऊँ दोस्तों आप लोगों को, तो बैंगन की सब्ज़ी खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, क्योंकि बैंगन जो है ना वो बादी होता है, इससे गैस की बड़ी जल्दी हम लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो मन तो बिल्कुल नहीं था बनाने का, पर देखते हैं अभी कि क्या बनाते हैं। हम तो सोच रहे हैं आलू और बड़ी की सब्ज़ी बना लेते हैं, और सोया बड़ी भी घर में रखी हुई है। उससे पहले यहाँ से हम पानी ले चलेंगे, एक बाल्टी ताज़ा पानी भर के अपने हाथों से जल्दी जल्दी से। और हमको ना, हाँ चलिए, परसों की वीडियो में किसी ने कमेंट किया था, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, हमारी सिस्टर, हमारी बहन भाई लोग हैं, तो जैसे जो हम गाय भैंस अपना कीचड़ में बांधते हैं ना, उसके लिए कमेंट आया था कि आप लोग गाय भैंस को दिन रात यहीं बांधते हैं तो कीचड़ में दिक्कत होती होगी। दिक्कत तो होती है दोस्तों, लेकिन इन लोगों को चारा खिलाने के बाद ना इनकी जगह चेंज कर देते हैं हम, क्योंकि जगह जो चारा खिलाने की जगह है उसको हम उठा के कहीं और नहीं ले जा सकते हैं ना, इसलिए तो चेंज कर देते हैं, हटा देते हैं। शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, ब्लॉग में हमेशा हम आप लोगों को दिखाते रहते हैं, जब भी चारा देते हैं तो कहीं और से जानवर को लेके आते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आलू की सब्ज़ी हम बना रहे हैं, थोड़े से हमने प्याज काट के इसी में डाल दी है। खाना बन के रेडी हो गया है और इधर हमारे जो पतिदेव हैं वो बात कर रहे हैं अपनी मामी जी से, हमारी भी मामी जी हैं, तो थोड़ी सी क्लिप हमने ले ली है। बस मन किया, मैंने बताया था आप लोगों को कि छोटा सा फंक्शन था तो कई सारे रिश्तेदार लोग आए हैं, लेकिन हमने ब्लॉग नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि होती है कुछ दिक्कत दोस्तों कि हम ब्लॉग, मतलब कुछ रीज़न था जो हम आप लोगों को नहीं बताना चाहते हैं, इसलिए हमने ब्लॉग नहीं रिकॉर्ड किया था। और सारे मेहमान जा चुके थे घर में, एक दो लोग रुके हैं अभी। तो ये हो रहा था शाम के 5 बजे का टाइम, हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, बिगड़ चुकी थी तबीयत सभी, सर इतना दुख रहा था, इतना दुख रहा था, मतलब सर इतना घूम रहा था कि कुछ समझ में नहीं रहा हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस पट्टी हमने रखी थी सर पे और 10-15 मिनट के लिए हमारी आँख भी लग गई थी, झप गई थी आँख। तो जब आँख खुली तो हमें अच्छा लगा, सर भी हल्का हो चुका था, तो फिर हम लग गए दोबारा से, मतलब डाउन थी तबीयत, अभी उतनी एनर्जी नहीं है, लेकिन ये काम करना ज़रूरी था। उपले ख़त्म हो गए थे तो इनको निकालना था, मौसम ठीक था, बारिश वारिश कुछ नहीं हो रही थी, तो हमने सोचा निकाल लेते हैं, नहीं तो क्या पता बारिश का कि रात में हो जाए या फिर अभी कुछ देर बाद हो जाए, तो कुछ भी ठिकाना नहीं था। तो हमने कहा निकाल के इसको इसकी जगह पे अच्छे से ढक देंगे और उसको उसकी जगह पे अच्छे से ढक देंगे। यहाँ पे रखते हैं ना तो आराम से निकालने में दिक्कत नहीं होती है, यहाँ से डायरेक्ट निकालेंगे तो यहाँ पे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि बड़ी बड़ी पन्नियाँ हम यहाँ पे लगा के रखते हैं इसीलिए। और आज के ब्लॉग को एंड करेंगे दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। जो भाई बहन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया